सीहोर जिले के बुधनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयां बड़ी मात्रा में सड़क के किनारे फेंकी गई है। हालांकि इसमें अधिकतर दवाएं एक्सपायरी डेट की मिली है, लेकिन जब सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि खुले में इन दवाओं को न फेंका जाए, ऐसा करने से मानव जीवन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और वातावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। निजी अस्पतालों का भी प्रोटोकॉल होता है, उन्हें भी वो दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल नहीं की गई हैं या फिर इस्तेमाल की जा चुकी हैं, जैसे खाली सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के तहत सभी दवाइयों को, सभी यूज चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर होता है, उसके तहत ही अपने को डिस्पोज करना होता है। जो ये नहीं कर रहे हैं वह कानूनन अपराध होता है, उनके खिलाफ भी नोटिस निकाला जाएगा और उनको इस चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि वो अपने अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे स्केल्पल्स हैं, सीजर्स हैं, आपके इंजेक्शन्स वगैरह हैं, नीडल्स हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल के बाद में डिस्पोज कर रहे हैं।